चलिए फिर आज बनाते हैं पालक पनीर कुछ अलग तरीके से और बहुत ही ज्यादा यमी बनकर तैयार होएगा। घर के मसाले हम यूज करने वाले हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके बाद आपको ना रेस्टोरेंट जाने की जरूरत पड़ेगी और आप खुद ही बनाकर इसे घर में हेल्दी वे में इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ब्लांच करना है। ब्लांच का मतलब होता है कि हम इसे बॉयल नहीं करते, हम इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए पानी में कुछ इस तरीके से करते हैं। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके आपको उसको क्या करना है, ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद आपको नॉर्मली इसका एक प्यूरी तैयार करना है। अभी कितने लोग क्या करते हैं ना, इसको ठंडे पानी में रखते हैं ताकि इसका कलर चेंज ना हो। बट सच में गाइस, मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर शक्कर पानी में डालने की, या फिर क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इसका कलर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली चाहो तो आप करना, बट वैसे भी भूनते वक्त भी उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट तैयार करके तेल के अंदर आपको डालना है जीरा, साथ में दालचीनी, साथ में आप बारीक बारीक कटे हुए प्याज का यूज़ करें। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज का यूज़ की हूँ। उसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद आपको लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट डाल के अगेन इसको भूनना है। अभी कितना भूनना है, तो जब तक बहुत हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपको भूनना है। आप अभी देखिए, अभी यहाँ पर मैं बैगन का यूज़ कर रही हूँ, तो आप बोलेंगे यार बैगन कौन डालता है। सच में गाइस, आप डाल के देखिए, बैगन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप भंडारे में कभी सब्जी खाए रहोगे तो सच में वो लोग भंडारे में भी पालक की सब्जियों में डालते हैं बैगन, और बैगन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप अगर टमाटर नहीं भी डालोगे ना तो भी कोई इशू नहीं, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम ये ट्राई की थी। अभी आप देखिए, आपको 1 से 2 टमाटर डाल देना है। उसके बाद आपको डालना है नमक, साथ में 1 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के आसपास मैंने धनिया पाउडर का यूज़ की हूँ, 1 चम्मच से कम गरम मसाला, और फिर आपको डालना है 2 चम्मच के आसपास लाल मिर्च पाउडर। ये मसाला आप डेफिनेटली कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके घर पे जैसे भी बनाया जाता है। उसके बाद आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसमें से पूरा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो आपको इसको ढक ढक कर आप भूनिए इसको, जिससे ये अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट होके और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी। अभी आप ध्यान से देखिए, इसमें कितने अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है और इसकी भुनाई भी हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी। आपको गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे आप रख सकते हो, या फिलहाल के लिए लो पे रख दीजिए जैसे मैंने अभी रखी हूँ। अभी आप देखिए, पालक की प्यूरी डालने के बाद थोड़ा सा आपको उसी उसमें पानी डाल के वो पानी को भी डाल देना है, और आपको उसकी करनी अभी भुनाई। आपको उसको 8 से 10 मिनट लगता है मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप इसको चलाते रहिए और ढक कर आपको उसको भूनना, उसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी आप देखिए, इसका कलर बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। तो आप भी जब इसे भूनोगे तो सेम इसी तरीके से इसका कलर चेंज हो जाता है, और इससे भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये जो घर की मलाई होती है ना, मैंने वही वाली घर के दूध की मलाई ली थी, साथ में ये 2 चम्मच के आसपास पनीर को मैंने मैश कर ली थी वो। अभी आप इस जगह पे क्या डाल सकते हो, आप यहाँ पर काजू को पहले से भिगो कर रखिए, काजू का भी पेस्ट डाल सकते हो, साथ में ही आप मैश्ड पनीर को ऐसे भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेम थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ, और अच्छी तरीके से आपको उसको करना है मिक्स। अब इसके फिर से आपको थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है, तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनिए, जब तक इसका कलर कुछ आपको इस तरीके से ना दिख जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी डालने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे मतलब डाल सकते हो, और आपको ग्रेवी भी जैसी कंसिस्टेंसी में चाहिए वो हिसाब से। अभी आप देखिए, गैस का फ्लेम लो करके आपको डालना पनीर। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के पनीर का यूज़ की हूँ। अभी आप चाहो तो आप पनीर को पहले से ऑयल में भी फ्राई करके डाल सकते हो, बट मैं इसी तरीके से पनीर को डाल देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्ट पनीर ज़्यादा पसंद है। ओके, लास्ट में थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी 1/2 चम्मच के आसपास, और इसको करना है मिक्स। 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करना है, और गैस का फ्लेम आपको कर देना है बंद। लास्ट में हम कोई स्पेशल तड़का देने वाले हैं इसको। अभी आप देखिए, अच्छी तरीके से ये पक रहा है और हो गया है पनीर। तो गैस का फ्लेम मैं अभी बंद कर दूंगी, और तड़के के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ना नॉर्मली राई के तेल का यूज़ किया। आप नॉर्मल तेल या फिर आप इसको बटर में भी इसको तड़का दे सकते हो।
तेल को अच्छी तरीके से मैंने गरम कर ली हूँ। अभी आप देखिए, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, साथ में ही लाल मिर्च पाउडर कलर वाला 1 चम्मच में डालूंगी। और बस इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से हिलाना है और अच्छी तरीके से ऐसे ऊपर से आप इससे तड़का दे दीजिए और पनीर हो जाएगा रेडी। आप इसे नान के साथ में, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आप भी इसे ट्राई करना। कुछ कुछ भी इशू रहा तो कमेंट करके पूछना। वीडियो को एक लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।